नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने के पापड़। आज हम जिस तरीके से साबूदाने के पापड़ बनाने वाले हैं, यह पापड़ बनाना बहुत आसान है। आप अपने घर में बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं साबूदाने के पापड़ बनाना। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मोटे दाने वाला साबूदाना लिया है, आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम साबूदाने को इस बड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालकर अच्छे से साफ करेंगे। साबूदाने को हमने अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। अब साबूदाने को हम इस छन्नी में डाल देते हैं, जिससे इसका गंदा पानी पतीले में निकल जाए। अब साबूदाने को हम इसी बर्तन में फिर से डाल देते हैं। अब इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब नमक को हम अच्छे से चम्मच से मिला लेते हैं। नमक को साबूदाने में हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको ढककर 5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे साबूदाने अच्छे से खिल जाएं। ये 5 घंटे हमारे हो गए हैं। अब साबूदाने को हम चेक कर लेते हैं। साबूदाने हमारे अच्छे से खिल गए हैं, सारा पानी सोख लिया है। एक बार और इसे चम्मच से चला देते हैं। अब इसका हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हमने इस तरीके का ढक्कन लिया है और यहाँ हमने इस तरीके का प्लेट लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का ढक्कन नहीं है तो आपके घर में ऐसा प्लेट जरूर होगा। आप इस प्लेट में पापड़ को बना सकते हैं। अब सभी प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं। अच्छे से तेल हम अच्छे से लगाएंगे, जिससे पापड़ इसमें चिपके ना। आप चाहें तो प्लास्टिक के ढक्कन में पापड़ बना सकते हैं, उसमें भी पापड़ बहुत आसानी से बन जाते हैं। सारे प्लेट और ढक्कन में हमने अच्छे से तेल लगा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा साबूदाना डालकर फैला देते हैं। हम सिर्फ एक ही लेयर फैलाएंगे, ज़्यादा मोटा साबूदाना का लेयर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये भाप में पकने के बाद आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरीके सारे ढक्कन में साबूदाने को फैलाकर सेट कर देते हैं। अब हम साबूदाने को प्लेट में भी फैलाकर सेट कर देते हैं। इस तरीके से प्लेट के केवल प्लेन वाले हिस्से फैलाएंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं फैलाएंगे। इस तरीके से हमने साबूदाने को प्लेट और ढक्कन में फैलाकर सेट कर दिया है। अब इसे हम भाप में पकाएंगे। पापड़ पकाने के लिए हमने कढ़ाई गैस पर रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप पानी। कढ़ाई में हम स्टैंड को रखकर सेट कर देते हैं। स्टैंड के ऊपर हम प्लेट रखेंगे, आप चाहे थाली भी रख सकते हैं। अब पानी को ढककर उबालेंगे। जब पानी हमारा उबलने लगेगा तब हम साबूदाने वाला प्लेट रखेंगे। पानी हमारा उबल रहा है, अब साबूदाने वाले प्लेट को हम रख देते हैं। अब इसको हम ढककर मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हमारे हो गए हैं, हम पापड़ को चेक कर लेते हैं। ये पापड़ हमारे हो गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा पापड़ ठंडा हो रहा है, तब तक के लिए हम दूसरा वाला रख देते हैं। प्लेट का साइज हमारा बड़ा है, इसलिए हम इस पे 2 ही प्लेट रखेंगे। अब इसको भी ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं। ये पापड़ हमारे ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर हमने पॉलिथीन बिछाया है और पॉलिथीन पे हमने हल्का तेल लगा दिया है। अब इसी पे पापड़ को फैलाएंगे। इस तरीके से हम ढक्कन को पलट देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचा हुआ पापड़ निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी के साबूदाने का पापड़ बना लेते हैं। ये हमारा प्लेट वाला पापड़ हो गया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम दूसरा वाला प्लेट रख देते हैं। ये प्लेट वाला हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको भी पलट कर निकाल लेते हैं।
ये हमारे आखिरी वाला पापड़ बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको भी निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब इसको भी पलट कर निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सारे पापड़ को बना लिए हैं। अब इसको तेज धूप में 3 दिन तक सुखाएंगे। जब पापड़ हमारे अच्छे से सूख जाएंगे तभी हम तेल में तलेंगे। ये पापड़ हमारा अच्छे से सूख गया है, इसको हमने 3 दिन तक धूप में सुखाया है। ये आप देख सकते हैं पापड़ हमारे अच्छे तरीके से सूख गए हैं। अब इसको हम तेल में तलेंगे। पापड़ को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे तभी पापड़ को तलेंगे। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं, अब हम पापड़ को डालकर तल लेते हैं। पहले एक पापड़ डालकर इस तरीके से तलेंगे, इस तरीके से हम चिमटे से हिलाकर तलेंगे तभी हमारे पापड़ अंदर से अच्छे से फ्राई होंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने बड़े हो गए हैं। इसको हम दोनों तरफ पलटकर फ्राई कर लेते हैं। ये पापड़ हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर लगाया है, इसी प्लेट के ऊपर हम पापड़ को रख देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला तल लेते हैं। ध्यान रहे अगर आप इस तरीके से पापड़ तल रहे हैं तेल को खूब गर्म रखें तभी पापड़ आपके अच्छे से फ्राई होंगे। और पापड़ को चिमटे या कलछी से हिलाते रहें। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये पापड़ को हमने तेल में तल लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पापड़ बने हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर पर साबूदाने के पापड़ बनाकर खा सकते हैं। अब हम पापड़ को तोड़कर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने क्रिस्पी बने हैं और आप देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने अच्छे तरीके से टूट रहे हैं। अगर आपने इस तरीके से साबूदाने का पापड़ अपने घर पर नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बनाकर खाएं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।